योग हो जीवन का धार, शिव पिता से लगे बस प्यार। योग हो जीवन का धार, शिव पिता से लगे बस प्यार। हो जाए सबका बेड़ा पार, बेड़ा पार। हो जाए सबका बेड़ा पार। योग हो जीवन का धार। हर पल जो सेवा में बिताए, शिव बाबा संग प्रीत जुटाए। हर पल जो सेवा में बिताए, शिव बाबा संग प्रीत जुटाए। खुशियों के खुल जाए द्वार, हो जाए सबका बेड़ा पार, बेड़ा पार। हो जाए सबका बेड़ा पार। योग हो जीवन का धार। जग की नाव को मिले किनारा, आधी में भी मिल जाए सहारा। जग की नाव को मिले किनारा, आधी में भी मिल जाए सहारा। अंधकार में आए उजियार, हो जाए सबका बेड़ा पार, बेड़ा पार। हो जाए सबका बेड़ा पार। योग हो जीवन का धार। से जीवन भी भर जाए, हर एक गुण जो सदा लुटाए। सुख से जीवन भी भर जाए, हर एक गुण जो सदा लुटाए। ज्ञान बहाए अमृत की धार, हो जाए सबका बेड़ा पार, बेड़ा पार। हो जाए सबका बेड़ा पार। योग हो जीवन का धार, शिव पिता से रहे बस प्यार। योग
जीवन का आधार। शिव पिता से रहे बस प्यार, हो जाए सबका बेड़ा पार, बेड़ा पार, हो जाए सबका बेड़ा पार। योग हो जीवन का आधार। ओम शांति। सबने बहुत ही सुन कि कैसे योग को सहज और सरल बनाया जा सकता है, कैसे योग हमारे जीवन के लिए, ब्राह्मण जीवन के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है, कैसे योग ही हमारी सर्व समस्याओं का निदान है, समाधान है। कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन की मुरली में बाबा योग की महत्ता को हम सबके सम्मुख नहीं रखते। बाबा कहते हैं योग से ही तुम्हारी आयु बढ़ेगी, योग से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, योग से ही तुम अपनी कर्मेंद्रियों को जीत पाओगे, योग से ही तुम्हें सर्व सिद्धियां प्राप्त होंगी। आज के ही वरदान को ले लें तो बाबा ने कहा तपस्वी मूर्त बनो, क्योंकि तपस्या से तुम्हारे अपने विकर्म भी नष्ट होंगे, अन्य आत्माओं के भी तमोगुणी संस्कारों को तुम्हें अपने योग से, तपस्या से नष्ट करना होगा, और साथ ही प्रकृति में जो तमोगुण आ गया है उस तमोगुण को भी योग साधना से ही ठीक किया जा सकता है, सतोगुण में परिवर्तित किया जा सकता है। तो कहने का भाव, तप साधना योग ही स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन का आधार है, हमारी सर्व प्राप्तियों का आधार है। बाबा का एक सुंदर महावाक्य मैंने बहुत पहले सुना था और उसका एक सुंदर प्रसंग भी है कि कोई बहन देह नहीं छोड़ पा रहे थे, मम्मा बाबा और अनन्य बाबा के कुछ बच्चों ने उनके लिए विशेष योग किया और तब जाके वो आत्मा देह से मुक्त हो पाई। तब बाबा ने एक बहुत ही गहन महावाक्य कहा था कि बच्चे अभी तो तुम अपने विकर्मों को नष्ट करने के लिए योग करते हो, एक समय आएगा जबकि अन्य आत्माओं, विश्व की आत्माओं के विकर्मों को भी नष्ट करने के लिए तुम्हें योग करना होगा, तभी वो मुक्त हो पाएंगे। और बाबा ने कह ही दिया पिछली मुरली में भी और इस मुरली में भी, तुम मुक्त होंगे तभी सभी मुक्त हो पाएंगे, मुक्ति धाम का गेट खुलेगा। तो इसका जो सुंदर आधार है हमारा योग, जो हम रोज करते हैं, कभी सरल लगता है, कभी थोड़ा जटिल लगता है, कभी लग पाता है, कभी नहीं लग पाता है, लेकिन इसकी निरंतरता तक हमें पहुंचना है, योगी जीवन बना लेना है। वो कैसे सहज हो, इसके लिए हमारे साथ आदरणीय सूर्य भाई जी, हम सबके अति प्रिय योगी राज के नाम से पूरा ब्राह्मण परिवार जिन्हें जानता है, हमारे योग को बहुत सहज और सरल करते हैं, क्योंकि स्वयं ही अपने बाल्यकाल से आप योग साधना में रत रहे हैं, मधुबन में रहते हुए भी अपनी सेवाओं को के साथ साथ योग को आपने प्रथम स्थान पर रखा है। इसलिए जब भी आप कोई योग की युक्ति हमें बताते हैं, सहज हमारे लिए योग हो जाता है। तो आइए अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का और आज की सुंदर चर्चा की ओर चलते हैं। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू। एक मूल प्रश्न आया है भ्राता जी, वो लंदन से ही आया है और वो प्रथम है, योग तो हम रोज करते हैं लेकिन योग की यथार्थ विधि क्या है जिससे हमें सिद्धि मिलती है, ये उनका प्रश्न है। मैं पहले भी स्पष्ट किया है कि योग में मन और बुद्धि हमारे पास जो दोनों सूक्ष्म शक्तियां हैं इनका हम प्रयोग करेंगे। बुद्धि थर्ड आई ऑफ विजडम, इससे हम विजुअलाइज करते हैं, और मन चिंतन। तो पहले हम अभ्यास करेंगे बॉडी लेस होने का, चिंतन के साथ। चिंतन कैसा, मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूं, एक्सेप्टेंस के साथ मैं इस देह से नारी हूं। हम अपने को पहले सोल कॉन्शियसनेस में अच्छी तरह स्थित करेंगे, यानी सोल की कॉन्शियस हो जाए, मैं ये देह नहीं हूं, मैं इसको चलाने वाली इसकी मालिक चैतन्य आत्मा हूं,
कॉन्शियसनेस बढ़ती जाए, जैसे बॉडी की कॉन्शियसनेस नेचुरल है, हमें सोचना नहीं पड़ता, हमें अभ्यास करते करते सोल की कॉन्शियसनेस को भी नेचुरल बनाना, बस मैं यही तो हूं, और फिर विजुअलाइज करेंगे हम सर्वशक्तिमान को परम धाम में। जैसे हम उनको विजुअलाइज करते हैं, उनसे कनेक्ट हो जाते हैं और उनकी एनर्जी हम में आने लगती है, जिस संकल्प से विजुअलाइज करेंगे वैसी एनर्जी हमें आएंगी, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं और वो ऑलमाइटी है, जुड़ गए हम उससे, उसके तेजस्वी स्वरूप को विजुअलाइज करें, परम धाम में देखें, बस उसकी शक्तियों की एनर्जी जो पावरफुल एनर्जी है वो हमारी ओर बहने लगी, हम में समाने लगी। सबसे पावरफुल योग तो यही है, बाकी बाबा ने बहुत विधियां बताई हैं और भी, जैसे वे सुप्रीम हैं और हमारे परम पिता परम शिक्षक और परम सदगुरु हैं, सिंपल भाषा में बाप टीचर गुरु हैं, ये नाता जोड़ना, वो मेरे हैं, मात पिता हैं, हम उनकी फैमिली हो गए, हम उनके बड़े बच्चे हो गए, इस कॉन्शियस को बढ़ाना, ये कनेक्शन जोड़ना है। और तीसरी बात भी मैं याद दिलाऊंगा, जब वो मेरा है तो उसका जो कुछ है, उसके पास जो सर्व खजाने हैं, वे भी तो मेरे हैं, और स्वयं वो मेरा है तो उस पर भी मेरा अधिकार है। योग के बहुत सुंदर बाबा की समीपता का अनुभव कराने वाली ये स्थिति है कि वो मेरा तो उसके सर्व खजाने मेरे, वो मेरा तो उस पर अधिकार मेरा। इन चीजों को बढ़ाते चलेंगे, ये यथार्थ विधि है। साथ में बाबा ने स्वमन के अभ्यास, पांच स्वरूपों के अभ्यास, रू रिहान फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास, ये जो कुछ कहा है वो योग की सब यथार्थ विधि ही है। अगर हमसे पावरफुल योग नहीं होता तो हम साधारण योग की विधियों को लेकर चलें, उनमें एक्सपर्ट हो जाएं, और जब उनमें मास्टरी हो जाएगी तो पावरफुल योग भी हमारा इजी हो जाएगा जी। तो जो हम कहते हैं सिद्धि, ये सारे जो आपने कहे ये सब हम योग करते हैं मुझे लगता है, तो ये जो सिद्धि मिलनी है वो सिद्धि फाइनली हमें मिलनी है या कुछ छोटी छोटी सिद्धियां मिलती भी चलती हैं योग से जब विधि पूर्वक करते हैं? सिद्धि के दो अर्थ हैं, एक तो वो जो संसार में यूज किया जाता है, और दूसरा सिद्धि का अर्थ बाबा ने बताया सफलता, जो भी कार्य करें वो सफल हो जाए, कहीं सेवा की सफल हो गया, कोई बिजनेस किया वो सहज ही सफल हो गया, कोई एग्जाम दिया सहज ही उसमें सफल हो गए, तो ये तब होता है जब हमारे संकल्प शांत हो जाते हैं, जब हमारा मन एकाग्र हो जाता है। ये ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। मैंने एक बात बहुत गुह्य है वो बहुत पहले से सुनाई है, जो मैं पढ़कर आया था भारत में सिक्स योगा फिलोसॉफी की, सिक्स फिलोसॉफिकल बुक्स हैं जिनको छह दर्शन कहते हैं, उनमें एक योगा फिलोसॉफी भी है। उसमें यह है कि अगर मनुष्य 32 मिनट्स तक एक बार एकाग्र हो जाए, ऐसी उसकी एकाग्रता हो जाए, किसी भी स्वरूप पर वो फोकस कर सके, कंसंट्रेट कर सके, स्टेबल हो जाए 32 मिनट, तो उसको मनचाही सिद्धि मिल जाती है। तो बोल की सिद्धि, संकल्पों की सिद्धि, जिन्हें हम वरदान कहते हैं बाबा के शब्दों में, दूसरे शब्द है वरदान, कि जहां हम जाएंगे, जिसे हम दृष्टि देंगे, संकल्प करेंगे, वहां के विघ्न नष्ट हो जाएंगे, इन्हें वरदान और सिद्धियां भी कहते हैं। तो जैसे जैसे हमारा मन शांत होगा, क्योंकि मन से ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं, मन शांत तो मन का हर संकल्प सफल होने लगेगा, अर्थात सिद्ध होने लगेगा। बोल का जितना हम कम प्रयोग करेंगे, उसमें जो वेस्टेज होता है, हम जो लंबी बातें करते हैं, उससे यदि हम मुक्त करेंगे, और मैं बाबा का महावाक्य आपको सुना दूं, जिस पर उन दिनों हम लोगों ने काफी अच्छा अभ्यास किया, वो एक लहरी चली थी हमारे संगठनों में, कि जहां 50 शब्द बोलकर कार्य कराना हो, वहां अगर तुम 5 शब्द बोलकर कार्य कराओगे तो
45 शब्दों की एनर्जी बच गई तो तुम्हें वाक सिद्धि, बोल की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, यानी तुम्हारे बोल सत्य सिद्ध होने लगेंगे। तो सिद्धियों का एक वह स्वरूप और एक सफलता, ये दोनों सिद्धियां हमें प्राप्त हो जाएंगी अगर हम व्यर्थ से मुक्त, श्रेष्ठ स्वमानधारी, बॉडी लेस, सोल कॉन्शियसनेस में स्थित हो जाएंगे, लंबा काल तो ये मिलने लगेगा। जी जी, और इन्हीं की आवश्यकता भविष्य में होगी लगता है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम बेहद की सेवा कर पाएंगे, सबका कल्याण कर पाएंगे। मैं आपको सभी भाई बहनों को ये कह दूं कि आने वाली सेवाएं बाबा ने कह दिया था, याद दिला दूं आपको, अंत में, ये अब अंत की ओर हम बढ़ रहे हैं, अंत में सेवाएं उन आत्माओं के द्वारा होंगी जो सर्व खजानों से भरपूर होंगे। बाकी स्पीच से, अच्छे स्पीकर हैं, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है, मान लो शांति का खजाना है, प्रेम का खजाना है, या सुख भरपूर है, या शक्तियों से हम संपन्न हैं, तो ये वाइब्रेशंस दूसरों को जाएंगे। जिसे भी हम आत्मा देखेंगे, हमारे ये वाइब्रेशंस उनको जाने लगेंगे, तो इससे साक्षात्कार होंगे, जय जयकार होगी। इसलिए सिद्धि स्वरूप वास्तव में साक्षात्कार स्वरूप को निर्माण करेगा और बहुत बड़े काम होंगे। जी जी, आपने एक बात कही तो मैं प्रश्न से पहले उस ओर आ जाऊं। प्रताप जी, आपने कहा सर्व खजानों से जो भरपूर होंगे उनके द्वारा ये सेवा, तो क्या हम योग ही करें तो सर्व खजानों से भरपूर होते जाएंगे, या फिर ज्ञान का चिंतन या अन्य जो चीजें हैं उन पे भी हमें ध्यान देना होगा, या केवल जो आपने कहा अलग अलग जो हमारे योग के अभ्यास हैं उन अभ्यासों को करते चले तो सर्व खजाने भरते जाएंगे, शांति शक्ति मिलती चलेगी? नहीं, योग तो मुख्य सब्जेक्ट है, लेकिन जैसे बाबा ने अभी बोला, ज्ञान का खजाना पहला खजाना है। अब गुण जो है वो केवल योग से तो नहीं आ जाएंगे, उसके बारे में हमें चिंतन भी करना पड़ेगा और अपने को सर्वगुण संपन्न बनाने का लक्ष्य भी रखना पड़ेगा। हाँ, शक्तियां योग से आएंगी, लेकिन उसमें बहुत चिंतन चाहिए। खुशी हमें मुरली से प्राप्त होगी, हम अपनी प्राप्तियों को याद करेंगे, बहुत खुश होंगे। दुआएं, वो कर्मों से उसका कनेक्शन है, दुआओं का खजाना बढ़ेगा। प्योरिटी योग से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी प्योरिटी का हमें अलग से अभ्यास करना पड़ेगा। पुण्य कर्म जो बहुत बड़ा खजाना है, वो कर्मों से जुड़ा हुआ है। तो हमें, जो बाबा हमेशा एक चीज कहते आए, चारों सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलना, चारों में परफेक्शन ही हमें परफेक्ट बनाएगी, और ये सब खजाने हमारे पास आएंगे। योग से बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हमने ये भी देखा कई लोग अच्छा योग तो करते हैं, लेकिन यदि वो अहम से मुक्त नहीं होते, यदि उनमें थोड़ा बहुत क्रोध रह जाता है, या कई इच्छाएं रह जाती हैं सूक्ष्म, भाई मैं बहुत अच्छा योगी, मुझे तो कोई पहचानता ही नहीं, देखा मुझे मान ही नहीं देते, मैं भी तो योग करा सकता हूं, मुझे कोई पूछता ही नहीं, तो उसमें जो सूक्ष्म शक्तियां नष्ट भी हो जाती है। जी जी, और कई बार अच्छा योग करने के बाद यदि इस प्रकार का ज्ञान, गहरी समझ नहीं है, अहम से युक्त हैं, तो जैसे हम शास्त्रों में सुना करते थे, कई साधक होते थे कि किसी पेड़ को जला दिया, किसी पक्षी उड़ते हुए को जला दिया, तो ऐसे फिर लोगों को जलाते या श्रापित करते रहते। वो जलाएंगे तो योग की शक्ति जल के नष्ट हो गई, करते हैं ये लोग, किया तांत्रिक जो सिद्धियां हैं भारत में, उसमें यही है सब, किसी के कल्याण का काम तो वो कम ही करते, आजकल तो कोई भी नहीं करता, आजकल तो कॉमर्शियल हो गए हैं, तो नष्ट करना, किसी को मरवा देना, किसी को बीमार कर देना, किसी पे आत्माएं छोड़ देना, ये धंधे करते हैं, तो वो सिद्धि का तामसिक स्वरूप हो गया है। जी जी, ब्रदर जी, एक प्रश्न जो और आया है कि योग की जो तीन बातें बाबा हमेशा कहते हैं, साकारी, आकारी, निराकारी, इसे थोड़ा स्पष्ट करेंगे, ये ड्रिल है या इसे हम किस रूप में करें? देखिए, साकारी योग, वास्तव में योग तो निराकारी होता है, लेकिन ये सब शुरू में प्रचलित होते थे, यानी साकार में जब हम हैं, प्रैक्टिकल में कर्म क्षेत्र पर हैं, तो हम अच्छे स्वमान में रहें, सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास करते रहें। जब हम संगठन में हैं, तभी हम दूसरों को आत्मा भी देखेंगे, वो प्रैक्टिस करते रहें, इस संसार से डिटैच होने की प्रैक्टिस करते रहें, निमित्त भाव की प्रैक्टिस करते, ये हो गया साकारी योग। आकारी हम जानते हैं, मैं फरिश्ता हूं,
सूक्ष्म लोक में जाकर बाबा से बातें करें, प्रेरणाएं लें, वरदान लें, दृष्टि लें, और यहाँ रहते हुए भी एक अव्यक्त स्वरूप में यानी व्यक्त भाव से मुक्त फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास करते हुए कर्मों में आए तो ये दूसरी फरिश्ते स्वरूप की अव्यक्त स्थिति हो गई, सूक्ष्म स्वरूप हो गया, और फिर परम धाम वाली स्थिति वो निराकारी स्थिति हो गई। जी कई बार बता जी, योग जब हम करते हैं तो इसमें हमें मेहनत करनी पड़ती है, तो योग मेहनत मुक्त हो उसके लिए क्या किया? हाँ देखिए, तो बड़ा सब्जेक्ट है। एक तो कोई भी कठिन चीज अभ्यास के द्वारा सरल हो जाती है, सब जगह यही काम है जी। कोई भी कठिन काम हम बार बार करते हैं तो धीरे धीरे अनुभव होते जाते हैं, सरल होता जाता है। एक तो हमें अभ्यास पर बहुत ध्यान देना चाहिए, 5-5 मिनट भी अभ्यास करें, ट्रैफिक कंट्रोल के समय अभ्यास करें, 10-15 मिनट 2-3 बार बैठकर अभ्यास करें। दूसरा, योग को सूक्ष्मता से समझना बहुत जरूरी होता है। मैं क्लासेज में सदैव बाबा की बात याद दिलाता हूँ कि योग सबसे सरल विद्या है। सरल विद्या इस सेंस में क्योंकि दुनिया में जो योग सिखाए गए वो बहुत क्लिष्ट, कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कठिन, यानी सन्यासियों में भी कोई कोई उसको करने का साहस करता था, बाकी छोड़ देते थे। उसकी भेंट में हमारा योग सोल कॉन्शियस हो जाओ और सुप्रीम से कनेक्ट हो जाओ। देखिए यही परफेक्ट योग है, वो तो परफेक्ट योग थे ही नहीं, इसलिए ये बहुत सरल है क्योंकि हमारे पास इसका संपूर्ण ज्ञान है। कहीं भी हमें जाना हो, रास्ते का ठीक ज्ञान हो तो हम मजे से खुशी से पहुंच जाते हैं, और हमें कहीं जाना हो और हमें पता ही ना हो और हम कहीं भी चल दें तो हम राह भटक सकते हैं, कठिन हो सकता है। दूसरा, जो अभ्यास बाबा मुरलियों में रोज सुनाते हैं, साकार मुरलियों में भी आप ध्यान देंगे, सभी भाई बहने विचार करें और अब से थोड़ा अटेंशन देखें, साकार मुरलियों में खुश रहने की, ईश्वरीय नशे में रहने की, बाबा से बातें करने की, श्रेष्ठ स्मृतियों में स्थित होने की बहुत बातें आती हैं साकार मुरलियों में जी, जी। उन पे ध्यान दें। तो जो बाबा रोज कहता है ना, हम दूर क्यों जाएं, जो रोज कह रहा उसको अभ्यास में ले आए। मान लो मुरली प्रारंभ हुई और बाबा कह रहे, बच्चे गीत बजा था तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तब बाबा कह रहे हैं बच्चे नशा चढ़ता है कि भगवान को पाकर हमने तीनों लोक पा लिए हैं, हम जैसा भाग्यवान कोई नहीं, उसी टाइम इसमें स्थित हो जाएं, ये योग हो गया सुंदर। बाबा कहते हैं बच्चे याद करो किसके सामने बैठे हो, सुप्रीम रूह तुम रूहों से बात कर रही है, सोल कॉन्शियस होकर बैठो, बैठ जाओ इस गुड कॉन्शियसनेस में, ये योग हो गया। तो रोज जो बाबा कुछ कह रहा है उसको हम साथ साथ अभ्यास करेंगे तो कठिन योग नहीं रहेगा, योग एक एंजॉयमेंट बन जाएगा। मैं एक चीज और याद दिला दूं मुरलियों की, लगभग लगभग रोज, मैं लगभग भी क्यों रहूं, कहूं रोज ही बाबा हमें ये याद दिलाते हैं तुम देवता थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, तुम विश्व पर राज करते थे, तुम बहुत साहूकार थे। आज कह रहे थे तुम्हारे महल हीरे और जवाहरातों से जड़े हुए थे, उसकी कोई कीमत ही नहीं कर सकता। तो जो ये हमें बाबा याद दिलाते हैं, हम उसे याद किया करें, ये थे सचमुच हम ऐसे थे, हिल जाए एकदम ब्रेन, हम ऐसे थे। यह स्मृति स्वरूप स्थिति, इससे योग सहज हो जाएगा, स्वमान से सहज हो जाएगा, 5 स्वरूपों के अभ्यास से सहज होगा। थोड़ा प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे तो ये तो एंजॉयमेंट है। बिल्कुल, मतलब इसका आनंद लेते चलें, रोज की मुरली में बाबा जो कह रहे हैं, सुंदर स्मृति नशा और इस स्थिति में स्थित होते चलें। एक होता है बेटा जी हम योग लगाना, और दूसरा होता है बाबा का डोर खींच लेना। एक होता है ये कह लें कि हम बाबा को याद करते हैं, या दूसरा बाबा हमें याद करते हैं। तो ये बाबा हमें याद करें, हम तो करते हैं, यदि वो याद करेंगे तब तो हमारा योग बड़ा सहज हो जाएगा, हम खींचे खींचे रहेंगे, जैसे याद की फांसी लगी रहेगी। करते हैं क्या ये सहज होगा? बाबा याद करते हैं जी। देखिए लौकिक में भी माँ बाप किसी
उस बच्चे से ही ज्यादा प्यार रखते हैं जो बहुत आज्ञाकारी हो, जो पढ़ाई में बहुत होशियार हो, या ऐसे कहें सिंपली जिन बच्चों के कारण माँ बाप भी प्रसिद्ध हुए हों। कई ऐसे हैं कि उनके माँ बाप को कोई नहीं जानता, बच्चे कुछ बहुत अच्छा कर गए तो माँ बाप का भी नाम रोशन हो गया। ऐसे हमारे देश में तो कई उदाहरण हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी देख लो, माँ बाप बेचारे सिंपल अपनी माँ बाप के पास जाते रहते हैं, उनका भी वैल्यू बढ़ गई ना, उनके परिवार की बढ़ गई। तो ऐसे बच्चे जो ईश्वरीय आज्ञाओं पर चलते हैं, बाबा का उनसे बहुत प्यार रहता है, जो उसकी सेवाओं में कुर्बानी करते हैं। सेवा तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन जो सेवा करके अपने लिए कुछ नहीं चाहते, निष्काम भाव, बिल्कुल गुप्त रूप से हर काम, चाहे वो भाषण करने की सेवा क्यों ना हो, केवल धन की नहीं, भाषण किया न्यारे बाबा ने कराया, उसने ही टच किया है। आज तो, भी बाबा ये बात हाँ, कह रहे थे कि बाबा ने कराया, मैं तो बच्चे सोचते मैंने हाँ, किया। कोई बड़ा आदमी हमारे पास आ गया, हमने समझाया, वो बहुत खुश हो गए, हम गए वाह 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 मैंने कितना अच्छा समझाया, ये बोल गए कि उसने उसको भेजा है, उसने ही सब कार्य कराया है। तो इन सब चीजों को हम साथ लेकर चलेंगे, और बाबा के ये महावाक्य हैं, मैं तो बहुत बार सुने, और पहली बार 77 में सुने थे। मैं वो घटना भी सुना देता हूँ, मुझे थोड़ा बुखार था, मैं अपने कमरे में था, लेकिन भोजन बना के गया था, भोग लगा बाबा को, उन दिनों मंडे और गुरुवार शाम को बहुत अच्छा योग चलता था और स्पेशल भोग लगता था, तो मंडे का दिन था, बाबा को भोग लगा, और उन दिनों मैं फुल्ली योग युक्त होकर भोजन बनाता था, क्योंकि मुझे ही बनाना होता था और मैं अकेला ही होता था, 100-150-200 तक का भोजन में बना देता था। बाबा ने कहा, जो बच्चे मुझे बहुत याद करते हैं, मैं उन्हें वतन में बुलाकर उनसे रूढ़िहान करता हूं। बहुत अच्छी बात रही, मेरे को एकदम नशा चढ़ गया और मेरा बुखार ही उतर गया। फिर बाबा ये भी कहते हैं, व्यक्त में कहा एक दो बार, कि रोज सारा दिन, सवेरे तो है पर सारा दिन, कई बार बाबा, ध्यान से सुनेंगे बात, बाबा अपने अनमोल रत्नों को देखते हैं, रुक कर देखते हैं किस स्थिति में हैं, क्या कर रहे हैं। ये भी बहुत नशे की बात है। तो कुछ आत्माओं पर भगवान की दृष्टि तो रहती ही है, रोज वो याद करता, और जिसे वो याद करेगा उसे स्पेशल पावर मिल जाएगी, उसका याद करना ही माना बहुत कुछ आ जाएगा, उसकी एनर्जी आएगी जी। तो हम ऐसे कैपेबल बने, निश्चित रूप से हम याद करेंगे, भले ही साकार में कह देते हैं, मैं क्यों याद करूं, मैं कोई पतित बना के जो तुम्हें याद करके पापनो, वो तो हंसी खुशी की बात है जी जी। लेकिन सचमुच ये बात यदि हो कि बाबा हमें याद करे, तब तो जीवन ही सफल हो जाएगा। मैं कहूँ रथा जी, हमारी जो पुरानी स्वभाव संस्कार हैं, या जो हमारी पुरानी स्मृतियां हैं, या कुछ बात हो गई है, जब योग में बैठते हैं तो वही बातें इमर्ज हो जाती हैं और योग में डिस्टर्ब करते हैं। क्या युक्ति हो कि वो चीजें इमर्ज ना हो, या ये नेचुरल है कि वो इमर्ज होती ही हैं? हाँ, होती है। ये सबसे बड़ी समस्या हर साधक के सामने रहती है, और व्यर्थ अगर न चले तो योगी योग रह जाएगा। और जैसे साइकोलॉजिस्ट ने भी सर्वे किया कि संसार में बहुत सारे लोग, more than 70% पास्ट में जीते हैं। एक तो पास्ट की मेमोरीज रहती है, लेकिन एक दूसरी चीज भी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और वो ये है कि मान लो 20 साल पहले आपके साथ कुछ बहुत बुरी घटना हो गई थी, एक्सीडेंट हुआ, कोई इवेंट बुरी हुई, उसकी गहरी छाप आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई थी, वो आपकी खुशी ले गई थी, वो छाप भी अब तक कायम है। इन सब को मिटाने के लिए ही बाबा ने ईश्वरीय नशे में रहो, कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है, स्वयं भगवान साथ दे रहा है। मैं बाबा की एक बात सुनाया करता हूँ, साकार में अंतिम दिनों में ब्रह्मा बाबा को तो बहुत नशा था, लास्ट स्टेज थी, बाबा कहा करते थे, बच्चे तुम्हें इतना नशा होना चाहिए दिमाग की नसें फट जाएं, हंसी खुशी में
बाबा कहते थे सोचो तो सही, भगवान तुम्हारी मुट्ठी में आ गया है। अब हम तब छोटे थे, क्या करते थे, मुट्ठी बंद कर लेंगे, जाने ही नहीं देंगे। तो ये नशे जो हैं, जो पास्ट का गहरा बुरा इफेक्ट सबकॉन्शियस माइंड पर दबाव बनाए हुए, उसको क्लीन कर देगा जी। दूसरा, पास्ट को थोड़ा हल्का करें। मान लो किसी का पास्ट बहुत बुरा भी था, अब भगवान मिल गए, पास्ट बुरा था अब तो सर्वश्रेष्ठ प्रेजेंट है ना हमारा, इससे अच्छा वर्तमान किसी का हो ही नहीं सकता। ये चिंतन में लाएं तो पास्ट हल्का होगा जो सीरियसली हम ले रहे हैं। तीसरी बात, किसी ने हमें कुछ कह दिया, कोई घटना हो गई, उसको भी हमने सीरियसली लिया है, वो बुद्धि में आती रहती है, अचानक याद आ जाएगी 5 साल पहले की बात। लाइट करें अब सबको, और कईयों को पास्ट में रहने की आदत ही बन जाती है। तो जितना हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, मुरलियों में रोज जो खुशी और नशे की बातें आती हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, लाइट होता जाएगा, डिलीट होता जाएगा। फिर भी कुछ आ जाता है तो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये पास की बात आ गई, हटाओ इसे। जी जी, हटाते चले, हटता चलेगा और जल्दी हम इनसे मुक्त हो जाएंगे। कई बार अपने परिवार की भी यादें आती हैं, अपनी जिम्मेवारियों की यादें हैं, या मुझे बाजार से सब्जी लानी है तो योग में बैठा हूं, तो अब यहां से निकल के मुझे क्या क्या काम करने हैं, वो प्लानिंग बनती रहती है। ये है, बहुतों के साथ है, अब यहाँ से उठेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कल ये करना है, प्लानिंग बनती रहती है। स्टेबल माइंड इसके लिए बहुत जरूरी है। तो यही सब प्रैक्टिस अगर हमारी चलेगी तो अच्छी स्थिरता आ जाएगी। और जब बैठे ये सोच के बैठे कि पास्ट को भूलेंगे, फ्यूचर का जरा बाद में सोचेंगे, अब वर्तमान में मुझे प्रभु मिलन का आनंद लेना है, अपने से थोड़ी बात करें, अपने को प्रिपेयर किया करें, तो कई चीजों से छूट जाएंगे। बिल्कुल पिता जी, एक बात आती है कि ये चित्त की वृत्ति का निरोध ही योग है, तो ये चित्त क्या है और वृत्ति क्या है? ये भारत में जो महर्षि पतंजलि हुए, चाणक्य जब थे तब की, ये समय लगभग 2300-2350 साल या 2400 साल हुए हैं, तो इन्होंने भारत वालों को योग सिखाया था, राजयोगी नाम लिया था उसे का, कि कैसे मन को शांत करते करते निसंकल्प स्थिति में स्थित हो जाओ। उसमें योग की कई डेफिनेशन है, एक है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है, चित्त वृत्ति निरोध है इति योगा, ये संस्कृत शब्द है। और दूसरा था आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। तो चित्त सिंपल भाषा में, जिसको सभी भाई बहने समझ सकते हैं, चित्त है सबकॉन्शियस माइंड, और उसमें वृत्ति माना फीलिंग्स, एटीट्यूड्स हमने भरे हुए हैं, जिसे किसी ने भर लिया है, भाई इम्प्योरिटी, सेक्सलेस, दिस इज नेचुरल लाइफ, ये बुरी वृत्ति भर ली है। संसार में पैसा कमाना तो ये करना ही पड़ेगा, ये बुरी वृत्ति भर ली है। किसी के अंदर नफरत की वृत्ति है तो किसी के अंदर ईर्ष्या की वृत्ति है, क्रोध, ये जो संस्कार है इनके सूक्ष्म रूप को भी वृत्ति कहते हैं। तो इनका निरोध करना यानी इन्हें खत्म करना, इनको चेंज कर देना डिवाइन संस्कारों में, ये वास्तव में योग नहीं है, योग का रिजल्ट है। परिभाषा ये होनी चाहिए एक्चुअली, चित्त योग से, राजयोग से चित्त की दूषित वृत्तियों का परिवर्तन हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। जी जी जी, मतलब हमें निरोध नहीं लेकिन परिवर्तन हो जाता है। निरोध क्या, दबाएंगे तो फिर निकलेगी। जी जी ब्रदर जी, एक बात और आती है कि जो हमेशा आप बताते ही हैं कि यदि हमारी कोई व्यक्तिगत समस्या है, कोई पारिवारिक समस्या है, शारीरिक समस्या है, उस समस्या के समय हम विशेष क्या योग करें, कैसे करें ताकि वो समस्या, क्योंकि जब तक समस्या है तब तक योग भी हमारा नहीं लगता, उधर ही बार बार ध्यान जाता रहता है, तो ऐसा जो भी व्यक्तिगत पारिवारिक आर्थिक समस्या है उसके लिए हम क्या और कैसे योग करें? हाँ, किसी के सामने कोई विशेष बात ही खड़ी है, जब तक वो नहीं हटेगी तो उसका चित्त तो से अंत होगा नहीं, और योग का कोई रस उसके पास नहीं आएगा, बल्कि योग में वो परेशान होकर उठेंगे। इसलिए अगर बीमारियां हैं, विघ्न हैं, मैं तो सभी को कहूंगा कि अपने अपने परिवारों को विघ्नों से मुक्त करने के लिए हर भाई बहन एक विघ्न विनाशक भट्टी
छुट्टी कर ले 21 दिन की, और उसमें यही है कि एक्सक्लूडिंग अमृत वेला, अमृत वेले के अतिरिक्त एक घंटा निश्चित करें और योग से पहले दो संकल्प कर ले, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं, विघ्न विनाशक हूं। तीन बार ये संकल्प याद करें, फिर एक घंटा योग कर ले, मेडिटेशन करें। अगर पावरफुल मेडिटेशन होगा तो परिवारों के सारे विघ्न नष्ट हो जाएंगे, मेरे ही नहीं परिवार के, पूरे परिवार के सारे विघ्न नष्ट होंगे। किसी को जॉब नहीं मिलती है, जॉब छूट जाती है, बार बार छूटती है, फिर लेते हैं, जॉब में कई प्रॉब्लम्स हैं, उसमें भी फायदा होगा इसका। और सवेरे उठकर मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये संकल्प रोज कर लिया करें, तीन बार पांच बार। और अगर किसी को विशेष तकलीफ हो रही, इंटरव्यू में सफलता चाहिए, कोई कंपटीशन दे रहे हैं उसमें सफलता चाहिए, कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसमें सफलता तो मनुष्य को हर कदम पे चाहिए, तो एक आधा घंटा एक घंटा योग इन्हीं दो संकल्पों के साथ कर ले किस दिन। बस शर्त यही है कि योग एक भी दिन छूटे नहीं, मिस ना हो, और योग पावरफुल अवश्य हो, मन भटके नहीं, ऐसे नहीं भाई योग में बैठ गए बस स्टेबिलिटी आ जाए, बस ऐसा लगे बाबा की किरणों की बरसात ऊपर हो रही है, या और भी जिस तरह का योग किसी को आता हो, पांच स्वरूपों के अभ्यास में रस आता हो, बाबा से बातें करने में रस आता हो, वो करते रहे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं बाबा को बार बार सुनाते रहे, बाबा ये चाहिए, ये समस्या इसको ठीक करो, ये नहीं। एक बार संकल्प कर लिया इस चीज के लिए योग कर रहे हो, बाबा को पहुंच गया जी। बार बार कहने की जरूरत नहीं, बार बार कोई किसी को कहे तो वो व्यक्ति भी परेशान हो जाएगा ना, अरे चुप रहो ना मैं समझ लिया, तो बाबा को बार बार कहने की जरूरत नहीं जी। फिर योग बल से ये करेंगे। हाँ, किसी को कभी कभी बहुत सीरियस बीमारियां भी होती हैं, आजकल कैंसर का भी जमाना है, कोरोना के कारण ये सब दब गए हैं, मानसिक रोग भी बढ़ते जा रहे हैं, और कोरोना के भी नए नए वेरिएंट हम देख ही रहे हैं, नई नई लहरें आ रही हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, प्रकृति की मालिक हूं, क्योंकि ये देह प्रकृति से बना है, प्रकृति की मालिक हूं, ऐसे ये संकल्प तीन चार बार करके फिर एक घंटा योग करें, प्रकृति को शुक्रिया भी करें, शरीर को भी शुक्रिया करें, क्षमा याचना भी करें, यानी पूर्व जन्मों में जिनको भी कष्ट दिया हो, मैं आप सब से हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहता हूँ, तो जो बैड एनर्जी पास्ट की आ रही वो भी खत्म हो जाएगी। इस तरह इन समस्याओं में योग बल से काफी काफी मदद मिलती है। और आजकल चौथी बात भी मैं जोड़ दूं, आजकल संसार में भय बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे ये युग बदलेगा तो फियर की फीलिंग मनुष्य को बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आत्मा कमजोर हो गई है तो डर बहुत पैदा होगा। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, निर्भय हूं, ये स्वमान याद करके 15 मिनट भी रोज ऐसे लोग योग करें जिनके अंदर डर का संस्कार है ही बचपन से जी। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो फियर जैसे प्रिंट है, डीपली रूटेड, वो नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब सर्व जो समस्याएं हैं उनका निदान हमारा ये सुंदर राजयोग ही है, इसे विधिवत जैसे आपने कहा वैसे हम करते चलें। बाबा रोज कहते हैं आत्माभिमानी रहो तो बाबा को याद करना सहज होगा, याद कर सकते हैं, आत्माभिमानी बनो बनो। तो कुछ पल तो आत्मा की स्मृति रहती है, लेकिन जैसे ही कार्य व्यवहार में आते हैं तो वो भूल जाता है, कार्य ही याद रहता है। तो फिर ये आत्माभिमानी स्थिति कैसे नेचुरल रहे? बहुत क्लियरली इसको समय लेना चाहिए, हमें कोई सारा दिन रटना नहीं होता, मैं आत्मा हूं या देह से नारी हूं या स्वराज्य अधिकारी हूं। एक तो सवेरे हम इस स्थिति को बहुत अच्छी तरह अभ्यास कर लें, फिर जैसे मैंने भोजन बनाए अपना कुकिंग का काम करें एक बार याद कर लें, जॉब पर जा रहे हैं जाने से पहले बाबा का आह्वान कर ले, और मैं आत्मा इस शरीर को लेकर अब जा रही हूं, ऐसे जॉब के टाइम में दो चार बार बीच में याद कर लें, रात को याद कर लें, बस इस तरह 5-7 बार याद करेंगे, सोल की कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी, और फिर सोल के जो 7 गुण हैं, क्वालिटीज हैं, वो जीवन में जागृत होते जाएंगे।
ऐसा नहीं कि हमें सारा दिन रटते रहना है, उसकी जरूरत नहीं। बिल्कुल, लक्ष्य ये हो कि हमें इसकी कॉन्शियसनेस बढ़े और प्रैक्टिस करते करते ये फीलिंग हो, ये मेरा शरीर है, मैं इससे अलग हूं। बस सारा दिन रटने की इसमें कोई जरूरत नहीं। कई बार हम बाबा का जो एग्जांपल है वो सुनते हैं कि बाबा ने धुन लगा दी थी, मैं आत्मा हूँ, नारायण आत्मा है, यशोदा आत्मा है। शुरू की बात थी, बिल्कुल ठीक बात है, ये प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए बाबा ने ये लगाई थी। और अगर आप भी नए हैं और आपके पास वीकेंड में टाइम होता है, आप भी धुन लगा सकते हैं जी, नो प्रॉब्लम। बाबा सर्व संबंधों की भी बात कहते हैं कि सर्व संबंधों से तुम बाबा को याद करो, तो ये संबंधों की जो स्मृति है वो कैसे सहज हो, क्योंकि बाबा की याद संबंधों के साथ करना वो सारे दिन में थोड़ा सा कई बार कठिन लगता है। देखिए ये तो कंफ्यूजिंग पॉइंट हो जाएगा कि भाई सारा दिन कैसे याद करें। अब जैसे मैं उदाहरण दूं, एक माँ को एक बहुत स्वीट बच्चा है, अभी वो जो बच्चा है वो उसके लिए संसार है, उसका उसका संपूर्ण प्यार बच्चे में जा रहा है जी। है तो वो उसका बच्चा, लेकिन वो उसके लिए सब कुछ है, संसार है, बुद्धि उसमें ही लगी हुई है। बस ऐसी जरूरत है, बाबा मेरा है, बुद्धि उसमें लग जाए, वो मेरा संसार है, इसको बढ़ा देना है ज्यादा, वो मेरा है। अभी दूसरी बात ये होती है, मान लो किसी माँ को अपने पति से बहुत प्यार है, होता ही है, तो वो शिव बाबा को मैं, वो मेरा प्रियतम है, साजन है, इस रूप से भी याद किया करे। सोते समय माँ के रूप में याद कर लिया करे, माँ की गोद में सो रहे हैं, जब मुरली चलती है, हम मुरली स्टूडेंट हैं, हमें जाने की स्मृति रहती है, ऊपर हम सदगुरु है, वो हमारा पिता है, तो उसके वर्षे की याद रहती है, स्वर्ग की सौगात हमें देने आया है। सिंपल ऐसे केवल याद करना। तो सिंपल ऐसा ही हो या कुछ हमारे पास विजन भी हो? नहीं देखिए, ज्यादा इस चक्रव्यूह में जाएंगे तो फिर कंफ्यूज, मैंने कहा ना इससे कंफ्यूजन होता है, और वो थोड़े ही दिन होगा, होगा तो एक में ही, जैसे मैंने कहा ना एक ही संबंध का रस मनुष्य सबसे ज्यादा लेता है जीवन में, सब संबंधों का रस किसी को नहीं आता है। फिर बाबा जो ये कह देते हैं कि एक भी छोड़ा मेरा मेरा हो जाए। और जो मैंने कहा, अगर कहीं विशेष कोई बात है, बच्चे की तरफ बहुत ही मोह जा रहा है, आज ही एक माता मेरे से मिलने आई थी, उसका बच्चा कनाडा जा रहा है, छोटी आयु है, बहुत बड़ा भी नहीं है, तो वो भेज भी रही, उसको प्यार भी है, लेकिन एक ही बच्चा है, पति भी नहीं है, माँ और बच्चे ही हैं। तो मैं देख रहा था उसके शब्दों को, उसकी फीलिंग्स को, तो जब जाए भी 5 साल रहना, उसको 5 साल के बाद वापिस आ जाएगा, वो तो मैं जानता हूँ वापिस कितने आते हैं लोग कनाडा या अमेरिका जाके, लेकिन उसका कितना प्यार था उसमें। अब वही नाता वो बाबा से जोड़ ले, उसके लिए भोग बनाए, भोजन खिलाए, प्यार से जैसे वो बच्चा है ऐसा व्यवहार करे, तो बच्चे से मोह कम होता जाएगा, प्यार कम नहीं होगा, मोह कम होगा और बाबा से बढ़ता जाएगा। तो हमारा संपूर्ण कंसंट्रेशन यदि एक में हो गया है और वो मेरा है, वही मेरा संसार है, इसमें हमारे सब नाते आ जाएंगे। जी जी, याद के चार्ट पर भी बाबा बहुत अटेंशन खिंचवाते हैं कि बच्चे याद का चार्ट रखो, याद का चार्ट रखो। तो बताते जी, ये याद का बेस्ट चार्ट हम कैसे बनाएं और उसमें कौन सी बातें शामिल हों, अभ्यास शामिल हों आपके अनुभव से? हाँ देखिए, मैंने तो शुरू से ही याद के चार्ट रखकर बहुत तरह के रखे हैं। पहले 16 साल मेरे मधुबन के याद के चार्ट लिखते हुए बीते। मैं एक छोटी सी डायरी जो होती है ना 2-4 इंच वाली जी, वो रखता था अपनी पॉकेट में ही, और हर घंटे में कितना योग किया वो लिखता था, और वो तो मेरे लिए सबसे बेस्ट अप्रोच रही थी। मैंने उसको बहुत बढ़ाया था उन दिनों, याद के योग के ये वैरायटी काइंड ऑफ प्रैक्टिस हमारे पास नहीं होते थे, ये तो धीरे धीरे अव्यक्त बाबा ने क्लियर किए, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, वो चीजें तो तब समझ में भी नहीं आती थी, धीरे धीरे प्रैक्टिस की, फरिश्ता क्या होता है सुन तो लेते थे, कुछ समझ में नहीं आता था, फिर धीरे धीरे समझ में आता रहा। तो एक ये तरीका है, लेकिन ये सब नहीं कर सकते,
दूसरा है, बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, ये तो 1970 में ही कही थी, जैसे बड़े आदमी मन का टाइम टेबल बनाते, बड़े आदमी अपनी फिजिकल दिनचर्या का टाइम टेबल बनाते हैं, टाइम वेस्ट ना हो, भाई इतने इतने काम आज करने हैं, तो उसका पूरा उनका मिनट टू मिनट प्रोग्राम बन जाता है। तुम भी मन बुद्धि का प्रोग्राम बनाओ कि इस समय मन बुद्धि को क्या करना है। तो मैंने इसका सबसे ज्यादा किया था, हर घंटे वाइज मैंने प्रोग्राम बनाए। उन दिनों थोड़े थोड़े योग के डिफरेंट मेथड्स मालूम हो गए थे, उनको जोड़ा और फिर एक बहुत अच्छी विधि अपनाई, वही मैं सबको कहता हूं आप सब अपना सकते हैं। मैंने तो अपने सारे दिन के जो कार्य हैं उनकी एक लिस्ट बनाई, मैंने तो 35 की बनाई थी, छोटे छोटे कार्य भी लिए, ब्रश करना ये भी एक काम, सेविंग करना ये भी एक काम, स्नान करना ये भी एक काम, ड्रेस चेंज करनी ये भी एक काम, कमरे से किचन तक जाना ये भी एक काम, और इन सब में अभ्यास, और इन सब में अलग अलग अभ्यास। तो एक लिस्ट आप 15-16 कर्मों की बना लें, पानी पीना, चाय पीना, दूध पीना, कुकिंग करना, जूस पीना, जो भी है, ड्राइविंग करना, ऑफिस तक जाना, इन सब में अलग अलग अभ्यास का जोड़ दे, फिक्स कर दे। भाई मैं पानी पीऊंगा पीऊंगी, मैं दो बार अभ्यास करूंगा, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, दैट्स ऑल। मैं चाय पीऊंगी बनाऊंगी, मैं बार बार अभ्यास करूंगी, बाबा मेरे साथ है। मैं जूस पीऊंगी, याद करूंगी मुझे संपूर्ण फरिश्ता बनना है, बाबा की किरणें पड़ रही हैं ऊपर से। किसी कर्म में अभ्यास करेंगे, ये देह छोड़कर घर जाना है। किसी में अभ्यास करेंगे, नहाते स्नान करते मैं आत्मा इसमें इस देव देवी हूं, ये देह मेरा टेम्पल है, ऐसे। तो बहुत मजा आएगा। मैं जहां तक मैं लोगों को कराता हूँ, एक्सपीरियंस ये है कि 3 दिन अगर अटेंशन दे दिया जाता है तो फिर ये नेचुरल हो जाता है। जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। 3 दिन में जिन्हें योगी बनना है वो 3 दिन मेहनत कर दे, फिर जैसे ही पानी का गिलास आएगा याद आएगा। मैंने कईयों को देखा है जैसे ही हाथ में ग्लास लेते हैं उसे दृष्टि देते हुए संकल्प करते हैं, तो कितनी अच्छी आदत है। तो ऐसी एक अच्छी आदत हो जाएगी और योग जिस पे हमारी चर्चा हो रही है वो बहुत सहज हो जाएगा। अगला प्रश्न बता जी, 8 घंटे योग की बात भी बाबा कहते हैं कि 8 घंटे तुम्हारे याद का चार्ट होना चाहिए। अपने घर में इतनी सारी जिम्मेवारियों को निभाते हुए, सबके बीच रहते हुए, ये कैसे संभव हो सकता है? आपने यद्यपि जवाब दे दिया है, फिर भी चाहूंगा कि इस 8 घंटे, बाबा जब भी कहते हैं 8 घंटे योग की बात तो लगता है कि हमारा भी योग कब होगा 8 घंटे। मैं इसके बारे में नशे की बात, वो रियल बात सबको सुनाया करता हूँ, हंसी की बात जी। कि जैसे बाबा की मुरली में आता है बच्चे, 8 घंटे निंदादी के लिए रेस्ट, 8 घंटे जॉब के लिए और 8 घंटे योग। दे सुनने में लगता कितना सिंपल है और ये तो किया जा सकता है, परंतु अधिकतर लोग ये बात सुनते ही अंदर से कह देते हैं, उन्हें पता नहीं चलता वो क्या कहते हैं, ये अपने बस का काम नहीं है, ये तो मधुबन वाले करें, सेंटर वाले करें, दादियों का काम है, तो और वहीं उसको रिजेक्ट कर देते हैं। बहुत थोड़े लोग हैं जो सोचते हैं भगवान कह रहा करें, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि 8 घंटे बैठना है। कई लोग ये गलत समय लेते हैं कि 8 घंटे बैठना है, जो मैंने बताया ज्यादा ही लगन बैठने की, 2 घंटे बैठ जाओ, एक मॉर्निंग एक इवनिंग नाइट, जैसे भी इजी हो। बाकी कर्म में और योग की एक ही डेफिनेशन याद रखेंगे इसमें, स्मृति स्वरूप होना ही योग युक्त होना है। मान लो हम एक स्मृति में हैं, मैं इष्ट देवी हूं, तो इस देवी के वाइब्रेशंस हमसे चारों ओर फैल ही रहे हैं। हम इस स्मृति में हैं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, तो हमारे अंग अंग से किरणें फैलने लगी हैं। तो स्मृति स्वरूप होना योग है, ये याद रखते हुए कर्मों में इसको बढ़ाएंगे। जी जी, तो ये हमारे लिए सहज हो जाएगा। वैसे भी कोई ना कोई संकल्प तो मन में चलता ही है, तो क्यों ना ये सुंदर श्रेष्ठ स्मृति हम अपने पास बस रखें। यही जो आपने कही ये राज की बात है जी, मनुष्य के मन में संकल्प चलते ही रहते हैं, बस हमें करना ये है कि संकल्प चले नहीं, हम चलाएं। चलाएं। राइट।
हम उसे ऐसे संकल्प दे दें तो हमारे चलाए हुए संकल्प जिनको हम क्रिएट कर रहे हैं दे आर मोस्ट पावरफुल। जो आप ही चल रहे हैं वो कुछ नहीं है, वो तो जल्दी खत्म हो सकते हैं। तो हम अच्छे संकल्प चलाएंगे, व्यर्थ भी खत्म होगा, योग युक्त जीवन बनेगा। बिल्कुल। एक अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ राता जी, जो आया है अभी ही आया है हमारे पास, विचार सागर मंथन कैसे करें? यद्यपि योग से थोड़ा हट करके है फिर भी मैं चाहूंगा संक्षेप। हाँ, योग से हटकर तो है पर योग का आधार भी है, बेसिस है ये। अगर ज्ञान अच्छा नहीं है तो योग होगा नहीं, क्योंकि ज्ञान के बल से ही हम व्यर्थ को हटाएंगे। ज्ञान आत्मा का भी तो ज्ञान ही मिला है। तो ज्ञान चिंतन का सब सरल तरीका ये, कुछ बुजुर्ग माताएं कहेंगी हमें तो कुछ याद नहीं रहता, वो दो पॉइंट रोज मुरली से याद करके जाया करें। लिखना आता हो तो लिख लें, और मैं तो ऐसे हंसी में क्या करता हूं, जब क्लासरूम से बाहर निकले दो चप्पल पहने ना, दो पॉइंट याद करें। नाश्ता करें फिर याद करें, दिन में 5-7 बार करेंगे तो जो कुछ हम याद करेंगे उस पर चिंतन चलने लगेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। दूसरे कुछ लोगों के लिए है, वो मुरली से 5 पॉइंट लिख लें और उनको दिन में 5 बार देख लें क्या क्या कहा बाबा ने, उस पर चिंतन चलने लगेगा। तीसरा सबसे अच्छा तरीका है लिखना, राइटिंग। टॉपिक ले लें एक, उस पे 10 पॉइंट लिखें। मान लो मैं पहला टॉपिक लोगों को कराता हूं, दिया करता हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा के बारे में हम क्या जानते हैं, बाबा ने क्या बताया, 10 बातें लिखो, कोई तो 25 लिख लाते हैं। तो लिखने से हमारी जो चिंतन शक्ति वो बहुत बढ़ जाएगी। हमारे मन में एक फ्लो है चिंतन का, मन का काम ही मनन करना है, मनन से ही मन है, तो वो चिंतन आप ही चालू हो जाएगा, फिर सुंदर विचार उसमें उठने लगेंगे और ये योग के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। जी जी, एक सुंदर दिशा हम अपने मन को इस रूप में दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा जी। योगी जीवन जी कर देखो, योगी जीवन।